स्पेशल खान टुडे इंडियन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के गोवेंडी में करबला मस्जिद के पास। यहाँ पे कई सालों से देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पे गंदे पानी बह रहे हैं और यहाँ पे जो जनता है काफी परेशान है, कभी डंपिंग ग्राउंड को लेकर, कभी SMS कंपनी को, आज फिर एक बार परेशान है गोवेंडी में। जो हम खड़े हैं करबला मस्जिद के पास, आइए हम जानते हैं यहाँ पे जन अधिकार पार्टी के मुंबई सेक्रेटरी है शकील खान जी से और यहाँ की जनता से क्या समस्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, बताइए। नमस्कार। यह एक समस्या है, लगभग 2 साल से चल रही है। यहाँ पे अबू हाशिम में MLA अस्थानी कामदार जो है और वार्ड क्रमांक 140 के नगर सेवक नादिया से, तो आज इन लोग को हम लोग जो वोट देते हैं, इनको प्रतिनिधि चुन के बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि ये समाज का कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखने में आता नहीं है। हम लोग परेशान है और सिर्फ ये गोंडी करबला मस्जिद का ही समस्या नहीं है, लोखंडे मार्ग पर भी पानी भरता है, बैगनवाड़ी का झूनो डिपो है वहाँ पे 3-4 जगह पे प्रॉब्लम है, ऐसे जगह जगह पे बाकी और कई जगह पे भी प्रॉब्लम है। मैंने ना अभी 22 तारीख को ये कंप्लेन दिया हूँ, आप लोग ये देख सकते हो, 22 नवम्बर का ये हमारा कंप्लेन है, ये आप देख सकते हो क्या। और इसके ऊपर ना एक्शन जरूर हुआ है, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। BMC का रिप्लाई देते हैं हमारे पास 15 तारीख का, लेकिन आज भी इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं, ये अभी तक काम नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीने पहले यहाँ के MLA अबू हाशिम आजमी ने कहा था कि मैं काम करवा दूंगा और काम हो जाएगा, और इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप लोग के सामने मैंने कंप्लेन लेटर दिखा दिया है, BMC का रिप्लाई यही है। आज नादिया से एक मोर्चा लेके जाती है, अबू हाशिम बोलते हैं मैं करा रहा हूँ, वो बोलती मैं करा रहे, इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है कि किसी के फंड से हो रहा है, डायरेक्ट BMC इसको करा रही है, इसका कंप्लेन मेरे हाथ में है। मतलब आप ये मानते हैं कि ये जो काम हो रहा है पानी का, ये किसी MLA या नगर सेविका के द्वारा नहीं हो रहा है? ये सब सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर। आइए हम यहाँ के कुछ और जनता है जो उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, जो MLA है या नगर सेविका है क्यों नाराज है? मालूम नहीं क्यों नाराज है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, हमारे गली में पूरा गटर टूटा है, अभी से गटर काम हुआ नहीं है, नाराज है, काम ही नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नादिया शेख के पास आप गए थे? गए था, लेटर भी दिए है, सब दिया है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया होगा? दिया था, कल होगा, परसों आएगा, लेकिन परसों कभी आएगा। इसी तरह से और भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो है स्थानीय लोग बताइए। यहाँ पे जो 2.5 साल से पानी गिर रहा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ, काम हुआ भी तो मेरे लड़का गिर के मान गया, फिर भी वही बात है, बिल्डिंग में पानी है नहीं, पीने के लिए पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, गटर का पानी मिल रहा है, रोड पे बह रहा है, पानी बह रहा है गंगा के, जैसे लगता है कि यहाँ पे 12 मास नदी बह रही है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, खाली राजनीति हो रही, पोस्टर लगाया जा रहा है, पोस्टर हुआ तो, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है, गटर का पानी लोगों को मिल रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं, लोग गाड़ियाँ गिर जा रहे हैं, बच्चों का एक्सीडेंट होता है, लोग स्कूटी लेके गिरते हैं, लोग का फोर व्हीलर ब्रेक मारते हैं, उनका मतलब इसका जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार आज पॉलिटिक्स लोग हैं और कौन है, यहाँ के नगर सेवक जो है, यहाँ के जो भी MLA जो भी MP है, आई डोंट नो, लेकिन काम होना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। अगर नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, आप लोग हाथ उठा लें, फिर वो BMC वाला बोलता है मैं काम करा रहा हूँ, नगर सेवक बोलता है मैं काम करा रहा हूँ, MLA बोलते हैं मैं काम करा रहा हूँ, कोई काम करा कहाँ रहा है, सब खाली बस पोस्टर पर बने लें और कोई काम नहीं हो रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जनता है गोवेंडी की, गौतम नगर की, परेशान है नगर सेवक से, जनता नाराज है, बस जनता नाराज है और MLA और नगर सेविका से। आइए और भी कुछ लोगों से हम जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। उसके लिए आपने यहाँ के नगर सेवक को कंप्लेंट किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे बोलने से परेशानी आपकी है, हम आपको वो हम एक जागरूक कर सकते हैं। इसी तरह से और भी लोगों से हम बात करेंगे कि क्या थी समस्या, तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे और भी लोग हैं। हाला आप बोलिए, ये जो पानी की समस्या, बोलो बिंदास बोलो, डरना का है, किस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं नगर सेवक से और MLA MP से नाराज है, और हमने यहाँ पे
जो बात की लोगों से, उनका सीधा कहना है कि हम यहाँ के नगर सेविका नादिया शेख और अबू आजिम आजमी एमएलए से नाराज है और राजनीति कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अगर वापस वो आपके बीच में वोट मांगने आते हैं नगर सेविका या एमएलए, तो आप क्या करेंगे? हम लोग वोट नहीं देंगे, सबसे सीधी बात ये। और शकील भाई के जानिब से ये सारा काम हो रहा है यहाँ पे, इतना हो रहा है। उन लोग सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को गुमराह करना, छुटिया बनाना, वोट मांगने आना, ये सब करना, ये सब काम जितना सबसे ज़्यादा भरा रहता, लोगों को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा खासकर। और यहाँ पे इस पानी के वजह से बीमारी भी है और उसके बाद एक्सीडेंट वगैरह भी बहुत होता है यहाँ पे इस वजह से। और उन लोगों ने अपनी फीट फीट थपथपा रहे, जैसे अभी वासिम आदमी है, नादिया शेख है, मूछा लेकर के कई थपथपा रहे। अभी कुछ दिन पहले हम लोग शकील भाई की जानिब से अंदर सुदर्शन अपोजिट ये डेयरी है ना, उसके सामने वाला बाथरूम, उसके अंदर के लेडीज़ को इतनी परेशान थी, दरवाजे टूटे, ये टूटे, आप ही लोगों ने कवर किया था, ये पूरे इंडिया न्यूज़ वालों ने। उनकी जानिब से थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ काम हुआ है, बाकी लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। इन लोग इतनी बेशर्मी पे उतर गए हैं कि इनकी पब्लिक सिटी के लिए इतना झूठा प्रचार करते हैं बेहिसाब। इस तरह से देखा हमने कई सारे लोगों से यहाँ पे बात की, गोवंडी के अंदर जो नगर सेविका और एमएलए से परेशान है। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहे टुडे इंडिया न्यूज़, मैं फैसल खान, मुंबई। ऊपर ताकत नहीं है।